क्या नीता जी है डियर्स, मैं फिर से पुराने बैकग्राउंड में वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि डोंट नो के इट्स नॉट योर बॉय डी के टी जिसको खुद एडवाइस लेनी चाहिए गिविंग यू एडवाइस ऑन यूट्यूब. वेल नॉट रियली, मैं तुम्हें एडवाइस नहीं देने आया, मतलब एडवाइस ही है लेकिन मेरे लिए वो एडवाइस नहीं है. हाँ मतलब मेरे लिए वो जस्ट मेरे ख्यालात हैं, मतलब ऐसा बहुत कुछ है जिससे मैं तुम्हें एडवाइस दे सकता हूँ क्योंकि ऑब्वियसली मैंने इस प्लेटफॉर्म पे कुछ ना कुछ तो सीखा है लेकिन उसमें से बहुत कुछ मैं अपने चैनल पे अप्लाई नहीं करता विच कुड हेल्प इट ग्रो. बट हाँ वो एक और दिन के लिए गुफ्तगू है. ये वीडियो आई थिंक सब के लिए, चाहे तुम यूट्यूबर हो, बनना चाहते हो, नया नया स्टार्ट किया है, तुम एक यूट्यूब व्यूअर हो जो डेडिकेटेडली यूट्यूबर्स को देखता है. एंड अगेन ये वो चीज़ें जो मतलब मेरे लेसन मैंने लर्न किए हैं इस प्लेटफॉर्म पे 3 साल लगाने के बाद. अच्छा ये बात तुमने बहुत सारे यूट्यूबर्स को कहते हुए सुनी होगी कि अगर तुम इस प्लेटफॉर्म पे व्यूज़ के लिए आओगे, एडसेंस रेवेन्यू के लिए आओगे, फेम के लिए आओगे तो तुम इवेंचुअली छोड़ जाओगे. मुझे पता है बहुत क्लीशे साउंड करता है, बहुत रिपेटिटिव साउंड करता है, बट ये सच है. लाइक मुझे देख लो, अभी तक मेरे 100K नहीं हुए. ये ऐसा नहीं है कि मेरे लाखों में व्यूज़ आ रहे हैं, बट आई एम स्टिल हियर क्योंकि मेरे लिए हॉबी थी और हॉबी रहेगी. जब तक मेरा इंटरेस्ट है मैं वीडियोस बनाता रहूँगा, जब इंटरेस्ट नहीं होगा तो मैं किसी और चीज़ में मतलब ट्राई कर लूँगा या किसी और जॉनर में ट्राई कर लूँगा. इससे रिलेटेड अगली चीज़ है पैसा. पैसे चाहिए भाईजान. जब पहले मुझे लोग पूछते थे ना कि कितने पैसे कमा लेते तो काफ़ी इरिटेटिंग क्वेश्चन लगता था, अब भी लगता है, लेकिन अब मुझे थोड़ा बहुत समझ आने लग गया है कि कुछ लोग, ठीक है कुछ सारे नहीं, कुछ को वैसे इंटरेस्ट होता है लेकिन कुछ का ये भी माइंडसेट होता है कि अगर इतना टाइम कोई लगा रहा है तो उसको कुछ तो रिटर्न में मिल रहा होगा. वेल नॉट रियली. और कुछ लोग इस वजह से पूछ रहे होते हैं कि वो खुद इस चीज़ को एक बिजनेस या एक जॉब के तौर पे मतलब परस्यू करना चाहते हैं. तो पाकिस्तान में ये सीन है, देखो अगर तुम्हारे 1,50,000, 2,00,000 और एक मतलब एक्टिव चैनल नहीं है तब तक तुम ना कमाने के बराबर ही कमाओगे. अब हो सकता है कि तुम्हें बिजनेस की बहुत अच्छी समझ हो, तुम्हें पता है ब्रांड्स को कैसे अप्रोच करना है, तुम्हारा कॉन्टेंट एक स्पेसिफिक है और उसमें मतलब ब्रांड्स मिलना ईजी है पाकिस्तान में भी, वो एक डिफरेंट सिनेरियो है लेकिन वो हर किसी पे अप्लाई नहीं होता. पाकिस्तान और इंडिया से अगर तुम्हें व्यूज आ रहे ना तो जो तुम्हें एडसेंस रेवेन्यू मिलेगा 1,000 व्यूज पे ना, वो इंतहाई शर्मिंदा है. मतलब मैं तुम्हें CPM एग्जैक्ट नहीं बता सकता लेकिन ट्रस्ट में पर 1,000 व्यूज वाला भी यहाँ कॉन्सेप्ट नहीं है, फिलहाल उसके करीब भी नहीं है. और अफिलियट मार्केटिंग जिसमें तुम लिंक डाल देते हो डिस्क्रिप्शन में और लोग वहां से अगर परचेज करें तो तुम्हें कमीशन मिल जाता है, उसका पाकिस्तान में सीन है ही नहीं. तो तुम अपनी जॉब वगैरह छोड़ के या अपनी पढ़ाई छोड़ के इस पे मतलब पूरी तरह रिलाय मत करना, या अगर मतलब तुम्हारा वो है प्लान है भी है तो इनिशियली मत करो. नेक्स्ट चीज है कि तुम्हें डेडिकेशन कितनी डालनी पड़ेगी. लोग देखते हैं कि उस बंदे के इतने आज मिलियन सब्सक्राइबर हैं, इतने मिलियंस में व्यूज़ हैं, इतना वो फेमस है, इतना वो कमा रहा है, बट ये कोई नहीं देखेगा कि उसको वहाँ पहुँचने में कितने साल लगे हैं. और बस एक फेक इंस्पिरेशन ले लेंगे कि हाँ भाई उसके इतने हो गए हैं तो मैं भी स्टार्ट करता हूँ, मैं भी फेमस हो जाऊँगा. मोस्टली जो सक्सेस स्टोरीज हैं ना यूट्यूब पे, वो लोग 4, 5, 6 या इवन 10 साल तक लगे रहते हैं, डिफरेंट चीज़ें ट्राई की, फेल किया, मतलब तुमने छोड़ा बीच में से, ब्रेक ली, यू केम बैक, तब जाके उनका एक ऑडियंस बनती है. श्योर एक्सेप्शन होती हैं काफ़ी लोगों की जहाँ पर पहले साल में उनका चैनल सक्सेसफुल हो गया या दूसरे साल में नया नया चैनल और उससे पहले उनका इंटरनेट पे कोई एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन अगर तुम्हारे साथ ऐसा होता है तो कंसिडर यूर सेल्फ लकी. वरना तो जो पहले 2 साल है वो जस्ट एक लर्निंग फेज है, तुम उसमें सीख रहे हो कि हाउ यूट्यूब वर्क्स, उसके बाद जो तुमने थोड़ा बहुत सीखा उसको अप्लाई करते हो और तुम गलतियां करते हो, जो कि मैं अपने चैनल पे तुम्हें 100 मतलब गलतियां पॉइंट आउट कर सकता हूँ जो अगर मैं ना करता तो शायद चैनल किसी और स्टेज पे होता, लेकिन अगर वो मैं ना करता तो मुझे कैसे पता चलता कि क्या नहीं करना और क्या करना है. और इतना टाइम लगाने के लिए तुम्हें कुछ ना कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ेगा. अब वो तुम्हारी अपनी एंटरटेनमेंट हो, लाइक तुम पहले अगर 10 घंटे नेटफ्लिक्स देख रहे हो तो अब एक्सपेक्ट करते हो कि हाँ भाई मैं फेमस भी हो जाऊँ और मैं 10 घंटे नेटफ्लिक्स भी देखूँ दिन को बैठ के, तो हो सकता है तुम गलत हो. तो या तो अपनी एंटरटेनमेंट, या तो मैं सोशल लाइफ, या मतलब तुम्हें खुद फिगर आउट करना होगा कि क्या चीज़ तुमने करनी है, सैक्रिफाइस क्या नहीं करनी. फॉर एग्जांपल मेरे लिए एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है जो मैंने कभी नहीं करनी यूट्यूब के लिए सैक्रिफाइस. बेशक मेरे यूट्यूब करियर पे, यूट्यूब चैनल पे उस चीज़ का असर पड़े, जो कि लास्ट ईयर सेकेंड ईयर जब कॉलेज का था विच वॉज रियली टफ, तो मैंने YouTube को सफ़र करने दिया क्योंकि आई कांट टेक द रिस्क ऑफ यू नो मेकिंग माई एजुकेशन सफ़र. वो एक ऐसी चीज़ है जिस पर तुम्हें कोई एडवाइस नहीं दे सकते क्योंकि तुम्हारा अल्टीमेट गोल क्या है उस एज पे जब तुम YouTube पे आए हो वो तुम्हें ही पता है. YouTube क्योंकि अभी रिलेटिवली न्यू है पाकिस्तान में, लाइक 2016 में बैन उठा है तो हम लोग काफ़ी पीछे हैं अभी दूसरे मतलब कंट्री से इन टर्म्स ऑफ के ऑडियंस कहाँ पर है, क्रिएटर्स कहाँ पर हैं, कितना इवॉल्व हो चुका है प्लेटफॉर्म. तो ये एक चीज़ मैंने नोटिस की है अपने चैनल पे भी और दूसरे क्रिएटर्स की, कि अभी ऑडियंस उतनी आसानी से चेंज एक्सेप्ट नहीं करती कंटेंट में जब वो एक्सपेरिमेंट करते हैं. तो ऑब्वियसली उनकी जो कोर फैन बेस है वो आपको सपोर्ट हमेशा करती है आप जिस तरह का भी कंटेंट बनाओ, क्योंकि दे आर देयर फॉर लाइक यू नॉट द कंटेंट. लेकिन
कोई ना कोई सियाणा ऐसा कमेंट करेगा कि वो ही बना जिसके लिए सब्सक्राइब किया था, या तेरे पास अब कंटेंट नहीं रह गया। इसलिए काफी लोग अभी 2012 वाली कॉमेडी कर रहे हैं, 2010 वाले ट्रेंड्स पे वीडियोस बना रहे हैं, ये 4-5 साल पहले वाला कंटेंट अभी भी रिसाइकल हो रहा है और उस पे व्यूज आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि अभी मतलब इवॉल्व होने में टाइम लगेगा, शायद 2-3 साल और लगे। इसमें वैसे क्रिएटर्स का भी थोड़ा बहुत फॉल्ट है, अगर तुम उनको रोजाना एक ही तरह का खाना देते रहोगे और अचानक से तुम उन्हें एक नई डिश ला के दे रहे हो तो ऑब्वियसली पहली दफ़ा वो उनको शायद ना अच्छी लगे, वो ट्राई भी ना करें शायद। लेकिन तुम अगर टाइम टू टाइम उनको एक नई रेसिपी ट्राई करवाते रहोगे तो इवेंचुअली दे विल बी लाइक कि हाँ ठीक है, वो पुराने वाला खाना बहुत बोरिंग हो गया यार, इस नए खाने को हम लोग थोड़ा चांस देते हैं। कुकिंग विद DKT एट दिस पॉइंट मैं अब हर तरह का एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूँ अपने कंटेंट के साथ। मुझे ये नहीं सोचते रहना हर वक्त के नहीं कमेंट्री चैनल है तो कमेंट्री से रिलेटेड वीडियो होनी चाहिए, क्योंकि मेन कंटेंट तो हर क्रिएटर के चैनल पे हमेशा रहता है किसी न किसी फॉर्म में। है ये उन थॉट्स का 10वां हिस्सा भी नहीं है जो मैं इस टॉपिक पे शेयर करना चाहता हूँ। लाइक ऑनेस्टली देयर सो मच आई वांट टॉक अबाउट इट। सो अगर तुम्हारे कोई स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं पाकिस्तानी यूट्यूब से रिलेटेड, टेक्निकल नहीं, जो इस तरह के मतलब जो मैं अपने थॉट्स जिन पे एक्सप्रेस कर सकूं, सो उनको कमेंट्स में छोड़ दो एंड अगर मैं नेक्स्ट टाइम वीडियो बनाई तो मैं उनको भी एड्रेस कर दूंगा। और इस तरह की जो रीसेंट एक्सपेरिमेंटल वीडियोस हैं मेरे चैनल पे उस पर अपना फीडबैक भी बताना। आई ट्राई टू टॉक अबाउट द कम्युनिटी साइड ऑफ यूट्यूब पाकिस्तान इन सम फ्यूचर वीडियो मे बी, जो थोड़े बहुत लोगों ने इस वीडियो पर क्लिक किया होगा अगर उसमें से तुमने यहाँ तक देखी है। सो थैंक यू डियर।